हेलो स्टूडेंट्स, फॉर योर टर्म वन थ्योरी एग्ज़ाम आई टोल्ड यू बिफोर दैट योर टू यूनिट्स आर कमिंग देयर, यूनिट वन एंड यूनिट टू। एंड इन यूनिट वन यू आर हैविंग राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। ओके, तो क्वेश्चन रिलेटेड टू ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल एंड सब स्कूल्स रिलेटेड टू राजस्थानी स्कूल दे आर कमिंग। सब स्कूल्स आर मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर। दीज आर द सब स्कूल सब स्कूल ऑफ राजस्थान स्कूल। एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल, वट आर द मेन फीचर, वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी स्कूल, दे आर क्वेश्चन रिलेटेड टू दे आर कमिंग इन एग्जाम। एंड द फोर्थ एप्रिशिएशन ऑफ फॉलोइंग दिस पेंटिंग्स, तो यू हैव टू कीप दिस पेंटिंग इन देयर पेंटर एंड देयर सब स्कूल। तो क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम दिस पेंटिंग आर कमिंग इन योर एग्जाम। तो फर्स्ट पेंटिंग इज मारू रागनी, पेंटर इज साहिबुद्दीन एंड दिस इज फ्रॉम मेवाड़ स्कूल। ओके, पेंटिंग इज मारू रागनी, पेंटर इज साहिबुद्दीन एंड दिस इज फ्रॉम मेवाड़ स्कूल। अनदर पेंटिंग चौक एंड प्लेयर्स, पेंटर इज दाना एंड दिस इज फ्रॉम जोधपुर स्कूल। एंड द टाइटल ऑफ अनदर पेंटिंग इज कृष्णा ऑन स्विंग, पेंटर इज नूरुद्दीन एंड दिस इज फ्रॉम बीकानेर स्कूल। ओके, एंड द अनदर पेंटिंग राधा बनीठनी, दिस पेंटर इज निहाल चंद एंड दिस इज फ्रॉम किशनगढ़। ओके, एंड द अनदर पेंटिंग भरत मीट रामा एंड चित्रकुटा, पेंटर इज गुमान एंड दिस इज फ्रॉम जयपुर स्कूल। दीज आर द पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान स्कूल आर कमिंग इन यूर एग्जाम। दिस इज द पेंटिंग मारू रागनी एंड द आर्टिस्ट इज साहबुद्दीन एंड दिस इज फ्रॉम मेवाड़ स्कूल। ओके, दिस पेंटिंग इज मारू रागनी। दिस वन द अनदर पेंटिंग चौकट प्लेयर्स, आर्टिस्ट इज दाना एंड दिस इज फ्रॉम जोधपुर स्कूल। ओके, सो द अनदर पेंटिंग इज कृष्णा ऑन स्विंग, दिस इज फ्रॉम बीकानेर स्कूल एंड द आर्टिस्ट इज नूरुद्दीन। ओके, डिवाइड इन टू टू पार्ट। ओके, हेयर कृष्णा विथ राधा, हेयर वी हैव एक अनदर पेंटिंग राधा बनीठनी, दिस इज फ्रॉम किशनगढ़ स्कूल एंड द आर्टिस्ट इज निहाल चंद। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मोनालिसा ऑफ इंडिया एंड दिस वॉज दिस पेंटिंग वी यूज इन और इंडियन पोस्टल स्टैम्प ऑल्सो। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू इज ऑल्सो कमिंग, दिस पेंटिंग इज यूज इन एज ए पोस्टल और तो यू हैव टू टेक द नेम ऑफ दिस पेंटिंग राधा बनीठनी एंड विच पेंटिंग कॉल्ड द मोनालिसा ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड राधा बनीठनी। द अनर पेंटिंग इज भारत मीट्स रामायण ए चित्रकूट, इट इज़ अ सीन फ्रॉम रामायण व्हेन राजा दशरथ वॉज डाइड, तो दे और रानीज एंड दे गोइंग टू चित्रकूट एंड दे मीट मेट विथ रामायण। तो इसमें अलग अलग सीन है जो डिवाइड किए हुए हैं। दिस आर्टिस्ट इज गुमान। ओके, एंड दिस इज फ्रॉम जयपुर स्कूल। ओके, इसमें पूरे सीन्स अलग है, जब वो मिल रहे हैं वो प्रेज कर रहे हैं, सारे सीन को डिवाइड किया गया। उन्होंने रिक्वेस्ट की राम को चलने के लिए अयोध्या, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उससे रिलेटेड पूरा ये सीक्वेंस में स्टोरी पूरी बनी हुई है इसमें। सो आफ्टर राजस्थान स्कूल वी आर हैविंग सेक्शन बी द पहाड़ी स्कूल। ओके, तो सेम द क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्कूल एंड द सब स्कूल्स आर बसोली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा एंड गढ़वाल। ओके, हेयर द सब स्कूल और राजस्थान स्कूल आर मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर। हेयर द बसोली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा एंड गढ़वाल आर द सब स्कूल ऑफ पहाड़ी स्कूल। मेन फीचर्स ऑफ पहाड़ी स्कूल, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पहाड़ी स्कूल, द एप्रिशिएशन ऑफ दिस टू पेंटिंग्स आर कमिंग यू एग्जाम। ओके, कृष्णा विद गोपीज, द पेंटर इज मनकू, दिस इज फ्रॉम सब स्कूल इज बसोली, बसोली स्कूल। एंड द नंद यशोदा एंड कृष्णा, कृष्ण गोइंग टू वृंदावना। ओके, द पेंटर इज नैनसो एंड दिस इज फ्रॉम कांगड़ा स्कूल। ओके, हेयर टू पेंटिंग्स आर कमिंग इन राजस्थानी स्कूल, यूर फाइव पेंटिंग्स आर कमिंग है। फर्स्ट वन इज मारू रागनी, पेंटर इज साहबुद्दीन, दिस फ्रॉम मेवाड़ स्कूल। चौकट प्लेयर्स, पेंटर इज दाना, दिस इज फ्रॉम जोधपुर स्कूल। कृष्णा ऑन स्विंग, पेंटर नूरुद्दीन, दिस इज फ्रॉम बीकानेर स्कूल। एंड द राधा बनीठनी, पेंटर इज निहाल चंद, दिस इज फ्रॉम किशनगढ़ स्कूल। एंड द भरत मीट रामा एंड चित्रकूटा, पेंटर इज गुमान एंड दिस इज फ्रॉम जयपुर स्कूल। ओके, सो फाइव पेंटिंग्स आर कमिंग है एंड टू पेंटिंग्स आर कमिंग फ्रॉम पहाड़ी स्कूल। कृष्णा विद गोपीज, पेंटर इज मनकू एंड सब स्कूल इज बसोली। एंड नंद यशोदा एंड कृष्णा, कृष्ण गोइंग टू वृंदावना, पेंटर इज नैनसू एंड दिस इज फ्रॉम कांगड़ा स्कूल। ओके, सो दिस वन द पेंटिंग ऑफ कृष्णा विद गोपीज, द मीडियम ऑफ दिस पेंटिंग इज वाटर कलर एंड टेम्परा एंड दिस इज फ्रॉम पहाड़ी सब स्कूल। ओके, एंड द आर्टिस्ट इज मनकू, द सब स्कूल ऑफ दिस पेंटिंग इज बसोली। ओके, कृष्णा विद गोपीज। And the another painting is from Prahari School is Nanda Yasoda and Krishna with Krishman going to Vrindavan.
ओके दिस पेंटिंग इज कमिंग, दिस इज आर्टिस्ट इज नैनसुक एंड दिस इज फ्रॉम पहाड़ी सब स्कूल कांगड़ा। ओके नाउ वी मूव टू अवर सेकेंड यूनिट, दिस इज ऑल्सो कमिंग यू एग्जाम। दिस डिवाइड इन टू पार्ट, ए इज मुगल स्कूल, द बी इज डेक्कन स्कूल। ओके द मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स फ्रॉम 16th century AD टू 19th century AD। ओके तो सेम द क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल, मेन फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल एंड एप्रिशिएशन ऑफ दिस फॉलोइंग पेंटिंग्स। फोर पेंटिंग्स आर हेयर, ओके तो यू हैव टू रीड अबाउट इट। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना, पेंटर इज मिस्किन, फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, उस्ताद मसूदा पेंटर ऑफ इट, एंड कबीर एंड रैदास उस्ताद फरीकुल्ला खान बाय मेड बाय पेंटर उस्ताद फरीकुल्ला खान, कबीर एंड रैदास। एंड अनदर इज मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिको इज हाजी मदनी, द पेंटर इज हाजी बंडी। ओके द फर्स्ट पेंटिंग ऑफ मुगल स्कूल इज कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना, आर्टिस्ट इज मिस्किन एंड दिस फ्रॉम मुगल स्कूल। कृष्णा लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धना, कृष्णा इज हियर एंड इज लिफ्टिंग गोवर्धना, हिज ऑल डिवोटीज एंड हिज फ्रेंड्स आर विथ हिम। सो द अनदर पेंटिंग इज फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, दिस इज द पेंटिंग। ओके द आर्टिस्ट इज मंसूर एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मुगल स्कूल। द अनदर पेंटिंग ऑफ मुगल स्कूल इज कबीर एंड रैदास, द आर्टिस्ट इज फरीकुल्ला खान, द कबीर एंड रैदास इज दे आर सिट टुगेदर। वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड द स्कूल ऑफ दैट पेंटिंग एंड द आर्टिस्ट of that painting. The medium of this painting is watercolor and with tempera on paper. The another painting of Mughal school is Marriage Procession of Dara Sikho. Okay, the painter of artist of this painting is Haji Mandi, and this is the medium of the painting is watercolor with tempera on paper. Okay, and this is from Mughal school. After Mughal school we move to Deccan school. The same question related to origin and development of Deccan school, main features of Deccan school and appreciation of these following two paintings are coming in exam. First one is Hazrat Nizamuddin Aulia and Amir Khusro, painter is unknown and this is from Hyderabad sub school. Okay, Hazrat Nizamuddin Aulia and Amir Khusro, artist is unknown and this is from Hyderabad. Second is Chand Bibi playing polo Chokan, this is also saying artist is unknown and this is from Golconda school. Okay, this is the painting Hazrat Nizamuddin Aulia and Amrish Khusro, they are sit together. The medium of this painting is watercolor tempera on paper. Okay, the sub school of this painting is Hyderabad and the artist is unknown. Okay, the another painting of Deccan school is Chand Bibi playing polo Jharkhand, the artist is unknown and this is also this is from Golconda. So these two paintings from your Deccan school is coming in your exam and this painting is from Golconda and artist is unknown. So this is about your term one exam, Rajasthani school, Pahadi school, the Mughal school and Deccan school, their origin and development and their characteristic and their main features on their paintings are coming in your exam. So you have to the name of painter and their sub school you have to keep in your mind. So here I brief you about some MCQ I already share in group about Rajasthani school. The first one question is what is the meaning of Rajasthan? The answer is Raja king and Sthan means place. The word is coming from king and place, so it's called Rajasthan. So what is the geographical situation of Rajasthan? Okay, surrounded by Pakistan, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat. So question is coming in objective and they are taking few names related is coming in your exam. Okay, so you have to keep in your mind that the geographical situation of Rajasthan is surrounded by Pakistan, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat. Now we move to the next one. What is the other name of Rajasthan school of art? Okay, it is also called Rajput School of Art and Hindu School of Art is also called.
another name of Rajasthani School Award is Rajput School Award. It's also called Hindu School Award. Okay. Then another question is, name the sub school where the first form of Rajasthan art flourished. जहाँ पहले बड़ी थी आर्ट जो फॉर्म थी राजस्थान स्कूल की, तो द मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट द इट इज ऑल्सो द प्योरेस्ट फॉर्म. ओके, बहुत डीप माइंड जितनी भी राजस्थान आर्ट की जो डिटेल थी वो उन्होंने जो स्टाइल डेवलप किया था उसको उन्होंने डीपली फॉलो किया था. तो दिस इज द आंसर इज मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट. द अदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ नाथद्वारा पेंटिंग्स. ओके, द लव सीन ऑफ राधा एंड कृष्णा. नाथद्वारा पेंटिंग्स में जो मेन पेंटिंग्स बनी है कृष्ण और राधा की पेंटिंग्स बनी है और लव सीन्स जो उनके हैं उनको उन्होंने बनाया हुआ है. तो यू कीप इन माइंड नाथद्वारा पेंटिंग लव सीन ऑफ राधा एंड कृष्णा आर मेड इन इट. ओके, द अनदर क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ किशनगढ़ वॉर अंडर हुज रीसेंट. किसके अंडर था किशनगढ़ का, तो राजा किशन सिंह के अंडर था और ये जो थे एट सन ऑफ राजा उदय सिंह ऑफ जोधपुर, जो राजा उदय सिंह थे उनके पुत्र थे और उनके आठवें पुत्र थे. ओके, राजा किशन सिंह. द अदर क्वेश्चन इज अंडर हुज पेट्रोनेज द आर्ट ऑफ किशनगढ़ रीच्ड इट्स जेनिथ. जो आर्ट आर्ट को बढ़ावा देते थे और किशनगढ़ जो फ्लरिश हुई थी किसके टाइम में हुई थी, तो राजा राज सिंह द करेक्ट आंसर हुई. राजा राज सिंह के टाइम पे जो किशनगढ़ जो आर्ट ऑफ किशनगढ़ थी वो फ्लरिश हुई थी. द अदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर नोन नेम ऑफ राजा सावंत सिंह ऑफ किशनगढ़. उनको नागरी दास के नाम से भी जाना जाता था. तो राजा सावंत सिंह जो किशनगढ़ के थे उनका अनदर नेम किसे जाने जाते, तो नागरी दास इज द करेक्ट आंसर. ये राजा सावंत सिंह ऑफ किशनगढ़ आई अभी एक्सप्लेन बिफोर, वही का नाम ही लिया गया यहाँ पर. ओके, नागरी दास वॉज फॉलोवर एंड डिवोटी ऑफ विच ऑफ दिस सेक्शन. किसके डिवोटी थे, वो कृष्णा के डिवोटी था. राइट आंसर इज कृष्णा. अनदर क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द एयर सावंत सिंह डाइड. 1764 में उनकी डेथ हुई थी. ओके, हु वॉज द फेमस आर्टिस्ट ऑफ मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट. साहिबुद्दीन इज द फेमस आर्टिस्ट ऑफ मेवाड़ स्कूल. सो साहिबुद्दीन द फेमस आर्टिस्ट ऑफ मेवाड़ स्कूल. कौन सी पेंटिंग बनाई थी उन्होंने, मारू रागनी. ओके, हु अमंग वेयर द पैटर्न ऑफ मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट. पैटर्न जिनके संरक्षण में आर्ट फ्लरिश होती थी मेवाड़ स्कूल में, तो राणा प्रताप एंड जगत सिंह आर द राइट आंसर. ओके, इन विच ऑफ द सब स्कूल फेसेस गॉट रिफाइंड फ्लैश बिकेम पिंकिस वाटर गॉट स्टाइलिश इन वाइट वेवी लाइन्स. कौन से स्कूल में जो उनके फेस थे पिंकिस बनने शुरू हुए और वाटर कलर की जो टोन्स थी वो वेवी और स्टाइलिश उन्होंने स्टार्ट की और उनके जो फेस थे उनको थोड़ा रिफाइन करके उन्होंने पेंटिंग स्टार्ट किया, तो ये हुआ आपका बोधी स्कूल में स्टार्ट हुआ था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ डेक्कन एंड बोधी स्कूल. ओके, इन विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक डेक्कन इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन बोधी स्कूल पेंटिंग्स में, क्या आप कैरेक्टरिस्टिक दिखा. तो सिलेंड्रिकल फॉर्म्स ऑफ वुमन गार्डन फाउंटेन एंड आर्किटेक्चर. तो जो इसमें जो इन्फ्लुएंस आया डेक्कन स्कूल का बोधी स्कूल में, तो उन्होंने सिलेंड्रिकल फॉर्म्स बनाने शुरू करे वुमेंस की जो थे फिगर्स से, गार्डन भी थे फाउंटेन और आर्किटेक्चर में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट. जोधपुर स्कूल आर्ट को यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, मेवाड़ नहीं है, मरवार स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड. ओके, सेक्शन बी है. अनदर क्वेश्चन इज हु वेयर द पैटर्न ऑफ जोधपुर स्कूल. द जैन मर्चेंट इन इनिशियल स्टेज एंड राजा मानसिंह, दे टू आर द पैटर्न ऑफ जोधपुर स्कूल. मीन जो उनके संरक्षण में जो वहाँ पर आर्ट जो फ्लरिश हुई थी उन. वट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जोधपुर इलस्ट्रेशंस. जो जोधपुर में इलस्ट्रेशन जो बने हुए हैं, इलस्ट्रेशंस मीन जो सीक्वेंस में स्टोरीज में जो आर्ट वर्क है उन्होंने शो किया हुआ उसमें, तो शिव पुराण, नल चरित्र, दुर्गा चरित्र एंड पंचतंत्र. तो इससे रिलेटेड कुछ भी ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन हो सकता है, या शिवपुराण लिखा हो, नलचंद्र लिखा हो, या दुर्गा चरित्र लिखा हो, या पंचतंत्र, इनमें से कुछ भी या दो वो दे सकते हैं. तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जोधपुर इलस्ट्रेशन आर दीज आर शिवपुराना, नल चरित्र, दुर्गा चरित्र एंड पंचतंत्र. ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द मैनुस्क्रिप्ट फाउंड इन विच ऑफ द मैनुस्क्रिप्ट फाउंड इन अभ्रंश स्टाइल. द आंसर इज मेघदूत. द अदर क्वेश्चन इज हु एट द पैटर्न ऑफ बीकानेर स्कूल अवार्ड. द राइट आंसर इज राजा राय सिंह, करण सिंह एंड अनूप सिंह. वेयर द आर्ट पेंटिंग्स ऑफ बीकानेर कैन बी सीन इन प्रेजेंट टाइम. इस समय कहाँ हम पेंटिंग्स देख सकते हैं, तो अनूप महल में एंड सुजन महल में हम पेंटिंग्स बीकानेर की
आर्ट ऑफ बिकान वी हैव सीन हियर. ओके, तो राइट आंसर इज अनूप महल और सुजन महल में. द अनदर क्वेश्चन इज व्हाट आर द एरियाज अराउंड द किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट. कौन से एरिया हैं किशनगढ़ स्कूल आर्ट में? तो राइट आंसर इज जयपुर, जोधपुर एंड अजमेर. वट आर द एरिया अराउंड द किशनगढ़ स्कूल? जयपुर, जोधपुर एंड अजमेर. अनदर क्वेश्चन इज हु वॉज द फेमस आर्टिस्ट ऑफ किशनगढ़ ऑफ आर्ट. द फेमस आर्टिस्ट ऑफ किशनगढ़ इज निहाल चंद. ओके, कौन सी पेंटिंग बनाई थी इसने? राधा बनी ठनी. ओके, दिस ऑल्सो कॉल्ड द मोनालिजा ऑफ इंडिया एंड वी यूज इन पोस्टल स्टैम्प, इंडियन पोस्टल स्टैम्प ऑल्सो. दिस इज अबाउट हु वॉज बनी ठनी. बनी ठनी कौन थी? लवर ऑफ राजा सावंत सिंह एंड अटेंडेंट ऑफ स्टेप मदर ऑफ राजा सावंत सिंह. तो इसमें से कोई दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो ए बी सी में कहीं पर भी. तो यू हैव टू कीप योर माइंड दैट लवर ऑफ राजा सावंत सिंह एंड अटेंडेंट ऑफ स्टेप मदर ऑफ राजा सावंत सिंह. ओके, वट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट? रिलीजियस पेंटिंग एंड लिटरेसी पेंटिंग. वो जितने भी कॉन्टेंट में रिलीजियस बने हैं और लिटरेसी से रिलेटेड बने हुए, जितने भी पुराण हैं उससे उनको लेकर उन्होंने पेंटिंग बनाई है. वट इज़ प्रोफाइल फेसेस? प्रोफाइल फेसेस आर एक चश्मा फेसेस, जिसमें आपकी वन आई आपकी दिख रही है उसको प्रोफाइल फेस कहेंगे. ठीक है, जैसे जो बनी छनी हमने पेंटिंग का डिस्कस किया था, वो भी एक तरफ देख रही है, तो वो भी एक चश्मा उसमें आएगी प्रोफाइल फेसेस में. इज देयर एनी टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव कैन बी सीन इन राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग? नो, क्योंकि इंडियन आर्ट मोस्टली जो बनी है फ्लैट बनी है. पर्सपेक्टिव मीन्स जस्ट वी आर स्टैंडिंग एट एरिया, वी आर फाइन टू डिफाइंड, हमें जिसमें दूरी का पता चलता है पेंटिंग में कि कौन सी चीज़ पास रखी है कौन सी दूर रखी है, वो पर्सपेक्टिव कहलाता है पेंटिंग. तो राजस्थानी पेंटिंग्स में कहीं पर पर्सपेक्टिव नहीं है, फ्लैट कलर्स दे आर यूज फॉर इट. ओके, ऑन विच ऑफ द पेंटिंग इंडियन गवर्नमेंट इज यूज ए पोस्टल स्टैम्प? आई टोल्ड यू बिफोर दैट राधा बनी ठनी जो पेंटिंग यूज हुई थी पोस्टल स्टैम्प. अनदर क्वेश्चन इज एनी वन एग्जाम्पल इन विच क्राउडेड सीन इज सीन? कृष्णा लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धना, फेल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, मदर टेरेसा एंड राधा बनी ठनी. दे ऑल आर इन सिंगल अ ग्रुप ऑफ पीपल इन दिस पेंटिंग. तो राइट आंसर इज कृष्णा लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धना. वट इज रीति काव्य एंड भक्ति सागर? रीति काव्य इज रोमांटिक पोएट्री एंड भक्ति सागर इज डिवोशनल पोएट्री. तो इसमें दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं. रीति काव्य से वट इज रीति काव्य, तो रोमांटिक पेंटिंग्स जितनी होती हैं रीति काव्य में होती हैं, और भक्ति सागर में डिवोशनल, उसके नेम से ही आपको सोचा कि भक्ति डिवोशनल पोएट्रीज में हुई है. ठीक है, विच ऑफ द इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन राजस्थान पेंटिंग? राजस्थान पेंटिंग में कौन सा इन्फ्लुएंस हुआ है? मुगल पेंटिंग से वो इन्फ्लुएंस हुए थे, क्योंकि जितने भी मोस्टली कितने आर्टिस्ट थे जो मुगल से जाके राजस्थान में गए थे बिकॉज ऑफ औरंगजेब, तो उन्होंने वहाँ अपनी कुछ चीज़ें ली मुगल आर्ट की. देखो मोस्टली क्या होता है कि कोई आर्टिस्ट कोई एरिया छोड़ता है तो लोकेलिटी से वहाँ पर बनाता है चीज़ें, लेकिन एस्पेक्ट वो अपने जहाँ से आया है मेन कॉन्टेंट उनको भी वहाँ पर यूज़ करके न्यू एक्सपेरिमेंट करता है. तो फोक आर्ट है मुगल इन्फ्लुएंस, दैट्स द राइट आंसर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग. वट इज़ द मीनिंग ऑफ सामंत? सामंत मीन सेरा, टाइम पीरियड, कि किस पीरियड में कोई पेंटिंग बनी हुई है. सीरा इज 1885, ऑल्सो रिटन ऑन पेंटिंग ऑफ मारुरागनी. तो कुछ पेंटिंग्स में उनके नाम सीरा उन्होंने लिखा हुआ है, जो समय है जिस पेंटिंग में जिस टाइम पे वो पेंटिंग बनी हुई है. वट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मारुरागनी? मारुरागनी का सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो राग रागनी से रिलेटेड उसमें पेंटिंग वो बनी हुई है. द राइट आंसर इज द अंदर क्वेश्चन इज कैमल इज रिप्रेजेंटेड हुम इन पेंटिंग मारुरागनी में? कैमल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो रिप्रेजेंट ऑफ धोला मारू के रूप में उसको कैमल को रिप्रेजेंट किया हुआ है. द अंदर क्वेश्चन इज वट इज द मीनिंग ऑफ चौखट? चौखट इज कॉल्ड पोलो. ओके, वन पेंटिंग इज योर सिलेबस चौखट प्लेयर ऑल्सो. तो द आर्टिस्ट ऑफ द पेंटिंग इज आई टोल्ड यू दैट दाना, एंड दैट पेंटिंग वॉज फ्रॉम जोधपुर स्कूल चौखट प्लेयर्स. द पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग इज बेस्ड ऑन विच सब्जेक्ट? रसिक प्रिया पोएट्री. ओके, रसिक प्रिया पेंटिंग हो केशवाना. तो यू कीप इन माइंड दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कृष्णा ऑन स्विंग इज रसिक प्रिया पोएट्री. ओके, विच सिंबल हैज़ बीन सोन विद द पेंटिंग ऑफ राधा एंड कृष्णा? कौन से सिंबल शो किए हुए? द लव बिटवीन गॉड कृष्णा एंड ह्यूमन सोल राधा. तो जो कृष्णा है उनको गॉड के रूप में शो किया है, और ह्यूमन सोल जो है उसको राधा के रूप में शो किया हुआ है पेंटिंग राधा एंड कृष्णा. विच टाइप ऑफ फिंगर्स मेड इन द पेंटिंग ऑफ राधा बनी ठनी? आंसर इज टेम्परिंग फिंगर्स. कैसी फिंगर्स बनी हुई है टेम्पर? ये तो एक ऑप्शन में आ सकता है, कुछ फ्लैसी फिंगर्स या ऐसे ए बी सी में वो दे सकते हैं. तो आपको टेम्परिंग फिंगर्स भी अप्रूव. राधा बनी ठनी जो पेंटिंग में कैसी फिंगर्स बनी हुई है? टेम्परिंग फिंगर्स बनी हुई है. ठीक है, जो काफ़ी लंबी फिंगर्स जो बनती हैं पेंटिंग्स उनको उनके लिए वर्ड यूज आता है. हाउ मनी फिगर्स सोन इन द पेंटिंग भरत मीट्स चित्रकूटा? भरत मीट्स चित्रकूटा जो पेंटिंग हमने अभी डिस्कस की थी, और द आर्टिस्ट ऑफ द पेंटिंग गुमान, और जो जयपुर स्कूल से थी, उसमें पूरी स्टोरी थी जब राम सब भाई वहाँ चित्रकूट जा रहे हैं उनसे मिलने, उनकी मदर और उनके भाई
भारतीय, तो उसमें जितने फिगर्स बने हैं वो हैं 49 फिगर्स इन दैट पेंटिंग. ओके, सो अवर अनदर यूनिक इज पेंटिंग्स आर पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट. तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेट्स कम अंडर द पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट. हिमाचल प्रदेश, सम द एरिया ऑफ पंजाब, जम्मू एंड गढ़वाल, दे आर कमिंग इन पहाड़ी स्कूल. विच टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट? गुजरात मैनुस्क्रिप्ट, लोकल फोक आर्ट, मुगल स्टाइल, राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट. तो ऑप्शन में ये दिए हो सकते हैं, या तो मुगल आर्ट स्टाइल दिया हुआ या राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट दिया हुआ या गुजरात मैनुस्क्रिप्ट या लोकल फोक. तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट विच टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट. उसमें क्या इन्फ्लुएंस दिखता है, गुजरात का, मुगल का, राजस्थानी, इनका दोनों का इन्फ्लुएंस उसमें. ठीक है, विच ऑफ द हिंदू सेक्ट वेयर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर फॉर पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग? कौन सा, तो जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग मैटर पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में दिखता है वो सेवाइत और वैष्णवाइत, ये दो सब्जेक्ट मैटर के पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट के. ठीक है, हु वॉज द पैटर्न ऑफ बसोली स्कूल ऑफ आर्ट? तो किसके संरक्षण में जो आर्ट बढ़ी थी, तो राजा कृपाल सिंह द पैटर्न ऑफ बसोली, बसोली स्कूल ऑफ आर्ट. ओके, अनदर क्वेश्चन इज हु वॉज द मेन आर्टिस्ट ऑफ बसोली स्कूल ऑफ आर्ट? द देवी दासा इज द मेन आर्टिस्ट ऑफ बसोली स्कूल ऑफ आर्ट. ओके, नेम एनी वन इलस्ट्रेशन डन बाय देवीदास. देवीदास ने कौन सा इलस्ट्रेशन किया था? रसमंजरी सीरीज इन 1694 में इन्होंने बनाई हुई थी. ठीक है, देखो तो रसमंजरी वन क्वेश्चन हो तो कन्फ्यूज नहीं होना आपको. रसमंजरी सीरीज जो होगी ऑप्शन में एक और दूसरा हो सकता है, तो 1694 यू कीप कीप द डेट ऑफ, ओके, ईयर ऑफ दैट. सो अनदर क्वेश्चन इज हु इज द मुग्धा नायिका? तो मोस्टली बसोली स्कूल में इसकी इनसे रिलेटेड पेंटिंग बनी है. अ टाइप ऑफ हीरोइन विच वॉज सब्जेक्ट मैटर ऑफ बसोली स्कूल. इसको एज ए हीरोइन उनका सब्जेक्ट मैटर रहता है मुग्धा नायिका. ठीक है, बसोली पेंटिंग्स में, यू कीप इन माइंड दैट मुग्धा नायिका अ टाइप ऑफ हीरोइन विच वॉज सब्जेक्ट मैटर ऑफ बसोली स्कूल. ऑप्शन में अलग अलग हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है. राइट डाउन द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बसोली स्कूल. ठीक है, विगेस्ट बोल्ड लाइन्स एंड स्ट्रॉन्ग ग्लोइंग कलर्स, डार्क ग्रीन पेटल्स विंग्स इंडिकेट ज्वेल्स, स्काई ऑन नैरो बैंड ऑफ ब्लू एंड व्हाइट एंड रेड बॉर्डर. तो इसमें से कुछ भी आपको याद करोगे उससे रिलेटेड ऑप्शन में हो सकता है. विगेस्ट बोल्ड लाइन्स एंड स्ट्रॉन्ग ग्लोइंग कलर्स, डार्क ग्रीन पेटल्स एंड विंग्स ऑन इंडिकेट ज्वेल्स, स्काई इज नैरो बैंड ब्लू एंड व्हाइट एंड रेड बॉर्डर. रेड बॉर्डर मोस्टली दे आर यूजिंग फॉर इन देयर पेंटिंग इन बसोली आर्ट. ओके, तो नेम ऑफ एनी वन सीरीज पेंटेड बाय मनकू इज गीत गोविंदा सीरीज इन 1730 इज द राइट आंसर. इज हु वॉज अ पैटर्न ऑफ गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट? राजा बलवंत सिंह ऑफ जसरोता इज अ पैटर्न ऑफ गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट. नेम द आर्टिस्ट हु बिलोंग टू गुलेर बट सेटल इन जसरोटा. कौन सा आर्टिस्ट है जो पहले गुलेर में थे फिर सेटल हो गए जसरोता? तो आर्टिस्ट इज नैनसुख. ओके, नैनसुख की एक एक पेंटिंग जो है सिलेबस में आपके, नंद यशोदा एंड कृष्ण गोइंग टू वृंदावन, दिस फ्रॉम कांगड़ा स्कूल. ओके, विच ऑफ द सब स्कूल पेंटेड इन पोर्ट्रेट ऑफ राजा गोवर्धन चंद? कौन से सब स्कूल ने पेंटेड किए थे राजा गोवर्धन के? तो गुलेर स्कूल ने. ओके, द राइट आंसर इज गुलेर. अनदर क्वेश्चन इज नेम द फ्यू लिटरेरी सब्जेक्ट मैटर ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. इसमें लिटरेरी सब्जेक्ट मैटर कौन से थे? तो भगवता, गीत गोविंदा, बिहारी सस्सी, बारमासा एंड रागमाला. तो ऑप्शन में ये वर्ड्स हो सकते हैं, तो जो मिनिएचर पेंटिंग्स पहाड़ी स्कूल थी उन कौन से लिटरेरी सब्जेक्ट दे आर यूजिंग फॉर देयर आर्ट वर्क? तो ये इनसे रिलेटेड आंसर है. कृष्णा इज किलिंग अ डैमन वत्सूत्र ऑन बैंक ऑफ यमुना. पेंटिंग बिलोंग टू विच ऑफ द सीरीज? तो ये भगवता सीरीज से बनी हुई है. जो एक सीन है उसमें पेंटिंग की पूरी सीरीज बनती थी, उसमें एक एक इंसिडेंस को वो लोग डिपिक्ट करते हैं, तो ये भगवता में ये सीरीज बनी हुई है जिसमें वो कृष्णा एक डेमन को मार रहे हैं नियर टू बैंक ऑफ यमुना. हु वॉज द किंग, हु वॉज द किंग होम पोर्ट्रेट पेंटेड इन कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट? कौन से कांगड़ा स्कूल में कौन से राजा के जो किंग के बने हुए थे पेंटिंग, वो थे राजा संसार चंद. कांगड़ा स्कूल में सबसे ज़्यादा पेंटिंग जो बनी थी पोर्ट्रेट बने थे राजा संसार चंद के. विच टाइम पीरियड इज नोन एज द गोल्डन टाइम ऑफ कांगड़ा स्कूल? कौन सा टाइम पीरियड का था? तो संचार चंद जो है उन्हीं के टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो गोल्डन पीरियड ऑफ कांगड़ा स्कूल, और इनके पोर्ट्रेट कांगड़ा स्कूल में बने हैं काफ़ी. ठीक है, अनदर क्वेश्चन इज द मिनिएचर पेंटिंग इन द रिसिट आर सोन एज वर्शिपर्स ऑफ शिवा सिंगा बिलोंग टू विच ऑफ द सीरीज? तो शिव पुराण सीरीज से, शिव क्वेश्चन से पता चल रहा है कि शिव से रिलेटेड है, तो शिव पुराण सीरीज है. विच ऑफ द आर्टिस्ट डिवोटेड हिज होल फैमिली टू पेंट इन कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट? नैनसुख, द राइट आंसर इज नैनसुख. ओके, द सीरीज ऑफ भगवता बाय श्री भगवान इन 1794 AD कीप ऑन विच ऑफ द म्यूजियम? कौन सी म्यूजियम रही है? नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली.
अदर क्वेश्चन इज राइट डाउन एनी टू फीचर्स ऑफ कुल्लू मंडी स्कूल. उनके टू फीचर क्या थे? बोर्ड ड्राइंग्स बनाते थे, यूज़ ऑफ डार्क एंड डर कलर्स, डार्क और डर कलर्स को मिक्स करके बनाते थे. कोई ऑप्शन में आ सकता है, तो ऑप्शन कुछ और हो सकते हैं, इनको कमेंट वो दे सकते हैं आपके एग्जाम में. हु आर द आर्टिस्ट ऑफ गढ़वाल स्कूल? मोलाराम एंड चैतू आर द आर्टिस्ट ऑफ गढ़वाल स्कूल. तो यू डोंट बी कन्फ्यूज, एंड मोलाराम एंड इको इज ऑल्सो, तो मोलाराम एंड चैतू. द अनदर क्वेश्चन इज वर्षा विहार पेंटिंग इज एसोसिएटेड टू विच सब्जेक्ट मैटर? वर्षा विहार कौन से सब्जेक्ट मैटर है? तो राधा कृष्णा इन रैन, राधा कृष्णा वर्षा विहार, उस क्वेश्चन से पता चलता है तो पेंटिंग रिलेटेड टू रेन रेन, तो राधा कृष्णा इन रेन इज रिलेटेड टू. द राइट आंसर इज नहीं. अंदर क्वेश्चन इज नेम द पैटर्न ऑफ चंबा स्कूल ऑफ आर्ट. तो राजा उदय सिंह, राजा राज सिंह एंड राजा उमेश सिंह, दे आर द पैटर्न ऑफ जिनके संरक्षण में जो आर्ट वो जो फ्लरिश हुई थी वहाँ पर. ठीक है, तो राजा द पैटर्न ऑफ चंबा स्कूल ऑफ आर्ट है राजा उदय सिंह, राजा राज सिंह एंड राजा उमेश सिंह. द क्वेश्चन इज हु आर द आर्टिस्ट ऑफ चंबा स्कूल? द राइट आंसर इज निक्कू दुर्गा एंड लेहरू, दे आर द आर्टिस्ट ऑफ चंबा स्कूल. विच ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ द सीरीज गीत गोविंदा, जो गीत गोविंदा सीरीज जो बनी थी, किस आर्टिस्ट ने बनाई थी? तो द राइट आंसर इज जयदेव. ओके, इन विच ऑफ द सब स्कूल डेलीकेट लाइन एंड कलर ट्रीटमेंट बाय नैंसू कैन बी सीन? कौन सी लिखता है? कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट, क्योंकि जो आर्टिस्ट जो नैंसू था वो कांगड़ा स्कूल से था. आई ऑलरेडी वेयर वन पेंटिंग नंद सुधा एंड कृष्ण विथ कृष्णा विद कृष्ण गोइंग टू वृंदावन मेड बाई इन योर सिलेबस. तो नैंसू की फॉर्म कांगड़ा स्कूल ऑफ. ओके, सो दिस इज हेयर आई ब्रीफ यू अबाउट द राजस्थानी स्कूल एंड पहाड़ी स्कूल. ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो आई ब्रीफ यू अबाउट मुगल स्कूल एंड दिक्कन स्कूल.